धने गुरु मूरत की रे बलहारी सो धने गुरु मूरत की रे बलहारी सो ऐसे गुरु मूरत की बलहारी आरे पारघ ज्ञान दियो सदगुरु ने पारघ ज्ञान दियो सदगुरु ने आरे खोलिए भरम किवारी सोवे से गुरु मूरत की बलहारी ऐसे गुरु मूरत की बलहारी ऐसी गुरु मूरत की बलहारी और भैया मैं तो अपनी बात कह रहा हूं अरे मैं अभी बेकी भटक रहा था मैं अविवेकी भटकी रहा था बीच बीच में लटक रहा था बीच बीच में लटकी रहा था अरे थी अज्ञान अंधियारी सोवे से गुरु मूरत की बलहारी ऐसी गुरु मूरत की बलहारी खोलिए भरम किवारी ऐसे गुरु मूरत की बलहारी सोवे से गुरु और देखिए कैसी दशा थी शबद जाल बाणी विस्तारा ये शब्द का जाल भी बहुत बड़ा है और ये बिना सदगुरु के बात ये उलझने समझ में नहीं आती है। कितना बढ़िया कहा है वेद उदित बिन गुरु लखे लागत लवड़ सबान और बादल गुरमुख द्वार है अमृत ते अधिकान। बिना सदगुरु के माध्यम हम शास्त्रों की वाणी को भी नहीं समझ पाते हैं ऐसा चाणक जी ने भी कहा है अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनव्या वहीनस्य दर्पणम किम करस्यते। अंधे व्यक्ति को शीशा दे दो तो क्या लाभ लेगा शीशा का। चश्मा भी आंख वालों के लिए होता है जो बिल्कुल अंधे हैं उनके लिए चश्मा भी काम नहीं करता है। जो सच्चे अर्थों में जिसके अंदर में प्रज्ञा बोध जागृत नहीं हुआ है उसके लिए शास्त्र भी क्या करेगा। लेकिन जो महापुरुषों में शास्त्रों में भी कुछ कहा है वो सत्य शास्त्रों में तो नहीं है लेकिन इशारा जरूर है उसके लिए। और इस इशारे को उस सैन बहन को समझ करके और जो लौटे आते हैं अपने आप में सदगुरु कहते हैं वो समझ लेते हैं शब्द जालक को। वाणी तेरे बहुत बना पकवान
अरे बाणी तेरे बहुत बने पकवान, रोचक भयानक और अथारत, गिनती न जाति बखान, अरे बाणी तेरे बहुत बने पकवान। इसलिए मेरे बहन भाइयों, शब्द को जो ठीक तरीका से परख लेते हैं वो शब्द ही बन जाते हैं। शब्द और शब्दी फर्क है नहीं, जैसे गुड़ और गुड़ का मिठास है, ऐसे शब्द और शब्दी। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, अक्षर बढ़ा के अक्षरी, अक्षर बढ़ा के अक्षरी, शब्दी बढ़ा के शब्द, और बामन बढ़ा के त्रेपना। हमें बताओ मर्द, बावन अक्षर और त्रेपना, ये जीव आत्मा ये अक्षरों से पार है, ये अक्षरों के बीच की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं वो इसमें नहीं है, पर मैं इशारा कर रहा हूं। जब आप इस इशारे को समझ लोगे तो आप भी जो मैं हूं आपको होने में देर नहीं लगेगी, वो ही आप हो। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ही जैसा हो रहा है सब सुख तेरे पास। मेरे में तेरे में फर्क क्या है, तू आशा बंधनों में बंधा हुआ है और मैंने सारे आशा बंधनों को तोड़ दिया है। अंतर जो मैं हूं वही तो तू है। इसलिए मेरे भाई बहनों, कितना बढ़िया कहा है, अरे शब्द जाल बाणी विस्तारा, पार ने पाया खोजत हारा। इसलिए कहा है भैया, बिना सदगुरु के भेद नहीं खुलता है। रामायण में ये बात कही, गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई विद्वान तो बन सकता है, पंडित बन सकता है, वक्ता बन सकता है, आचार्य बन सकता है, लेकिन बिना गुरु के और पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इसलिए शब्द जाल बाणी विस्तारा, पार ने पाया खोजत हारा, पार ने, अरे परखी परखी निर्वारी, धनी गुरु मूर्ति की बलहारी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, खोलिए भरम की बारी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, सो धन्य गुरु मूर्ति की बलहारी। और देखिए, खानी बाणी बब दुख भारी, एक खानी और बाणी। खानी का मतलब होता है जैसे आकाश, आकाश से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न औषधि पैदा होती है, उस अन्न औषधि को हम और आप सब लोग खाते हैं, उस भोजन से रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस बनता है, मैदा बनती है, हड्डी बनती है और मज्जा बनती है और शुक्र बनता है। उस शुक्र रज और वीर्य के माध्यम से फिर संतान पैदा होती है, 18 रिश्ते लड़की के और 18 लड़का के, कहा गए जो 36 नाते। ये खानी जाल, क्योंकि भोजन पायो हमने, बामे तो सब धातु बने के तैयार भाई, फिर बेटी बेटा भय, फिर ब्याह शादी भय, फिर 36 नाते तैयार रह गए, तमाम मामा फूफा सारो बहने जीजा जाने कौन कौन। ये है खानी जाल,
अब भाई जहाँ से खबर आ जाए त्या फूफा के जाको खत्म हो जाएगा ओड़े को सत्संग अब चलो भाई। अब भाई बस फोन आ जाए तुम्हारी ससुराल में कोई घटना है गई मामलो गड़बड़ेगा। अरे साहब का करो जाए सत्संग में कैसे आते सारे के मोड़ा को ब्याह तो ये खानी जाल है। ये खानी जाल में जीव लगा हुआ है। एक खानी जाल और एक बाणी जाल। बाणी जाल ये जंत्र मंत्र तोना टोटका भूत भैरव भवानी ईश्वर खुदा परमात्मा जहाँ होगो वहाँ होगो ऐसी कल्पना है वो सब बाणी जाल की है। इसलिए मेरे बहन भाइयों खानी जाल से तो व्यक्ति छूट भी सकता है एक बार के लिए लेकिन बाणी जाल इतना सूक्ष्म है कि इससे छूटना बड़ा कठिन है क्योंकि हमारे गुरुवा लोगों ने फैला फैला करके रखे हैं बड़े बड़े जाल बना करके रखे हैं। इसलिए ये खानी जाल और बाणी जाल सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है खानी वाणी परख देखो। इन दोनों चीजों को ठीक समझ लेता है जीव तो समझ लो कब उनसे दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए खानी बानी भव दुख भारी पड़ा खांच में हुआ ये नारी। तमाम नाते रिश्तों के बीच में तमाम बाणी बंधन में बड़े बड़े शास्त्री और विद्वान लोग ये बाणी की कल्पना कर करके और जीव को भटका देते हैं। मैं तो एक कह रहा हूँ यहाँ पर जब 50 लोग तुमसे कहेंगे हाँ ये कछूना है वे तो कबीर पंथी हैं वे जाए नहीं माने भाई नहीं माने पलानो ठीक हो तो तुम सोचेंगे रे बात तो सही तो ना है। इसलिए कोई एक बात को ठीक कहे और चार आदमी उसी बात को फिर झूठी बात को सही कहें तो शायद वो सत्य बात तुम्हारे भीतर में नहीं घुसेगी और भी क्योंकि भी चार लोग कह रहे हैं नहीं। एक पंडित थे कोई पंडित जी गैया दई कोई चीजें मानने गैया बढ़िया आई अच्छी अच्छी हो सही आई जयंगरी। तीन चार ठग थे बिन्ने सोची रहे जा पंडित वैसे गैया कैसे मिले वैसे छुड़ांगे तो गड़बड़ होगी दही नहीं दही तो के बिन्ने कही तो डटो कही हमें एक अकल बताते हैं एक एक किलोमीटर के दूरी पर रह जाऊ चार हो जाने और फिर जा पंडित थे कही हो एक जनो कह रहे जा रोज ही तू कहां ले आए हुए रोजाई को मैं नी लगाए कहते हैं रोजरी कहते हैं कह जा रोजड़ी कहां से ले आओ है पंडित दे कहियो फिर दूसरो कहियो तीसरो कहियो फिर चौथो कहियो। तो फिर ने मसवरा बनाया गया वो एक एक डेढ़ डेढ़ किलो के बीच में किलोमीटर के दायरे में ठाड़े है गए। फिर ने कही पंडित जी महाराज पाए लागे कुसरो भैया कह जा रोजाई के बच्चा है कहां से ले आयो ये देख पागल रोजई को बच्चा नहीं है जी गाय है गाय का बच्चा है। एक महाराज को कह रहे हो तुम्हें तो कहो ना वैसे ही बेकायद है ये तो रोजई का बच्चा है। पंडित ने सोची वैसे ही कह रहे हो तो ज्यादा ध्यान नहीं दो फिर आगे चले कहेंगे हो फिर एक डेढ़ किलोमीटर खड़े हो तो एक और मिलेगा एक पेड़ के नीचे बैठो अरे कहीं महाराज जैसी आ रहा आओ कहीं बैठो बैठ गए पंडित जी महाराज महाराज की रोजई के बच्चा कहां से पकड़ लाए हो। अरे के भैया रोज ही को नाने जे तो गाय को बच्चा है जे जमान ने दो बड़े प्यार थे अच्छी गैया को बच्चा है। ए बोले महाराज तुम चूतिया बनाए थे ये तो रोज ही को बच्चा है। पंडित ने सोची है रे को भेजे ऐसा ही तो नाने है को पर वैसे ही कह रहे हो गो फिर आगे बढ़े गो फिर तीसरा मिलो हे कही पंडित जी महाराज जर रोज ही के बच्चा है कहेंगे घेरे फिर रहे हो। अरे एक रोजई को नाने यार गैया है गैया को बच्चा है बोले महाराज रोजई को बच्चा है तो मैं देखी गैया ही बच्चा कहूँ तई पंडित कह गई है रे कहे तो मुझे भूल कर दे जमान ने पत्तऊ भाई मनुमात तो ने कौरवाने आगे बढ़ाई तो ना चौथो मिलेगा। अरे कही महाराज जय सिया राम भैया कह जा रोजई के बच्चा कहाँ से ले आयो। पंडित ने कही तो मन दो रोजई तो ये सब ही कह रहे हैं नहीं पंड से नहीं पंडित तो ले चले भैया तू जा पनवेश्वरी भाई जंगल में तो पंडित तो छोड़ गजिया बच्चा है और वहां चलो।
ऐसे ही लोग कहते हैं, अरे भैया तुम तो नास्तिक हो, अरे भैया तुम भगवान को नहीं जानते हो, अरे भैया तुम देवी देवतन नहीं मानते हो, अरे भैया तुम शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हो। तो फिर तुम्हें लगते हैं, अरे कहूँ ऐसा ही तो नाने हम कहूँ गंतर रास्ता पे भी महात्मा कहते कबीरपंथी तो शायद है, ये बात झूठी है ऐसे कहते हैं। तो तुम्हें फिर घेर घार के और फिर विदई ले जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, भैया के ये वाणी का बंधन है, अगर आप बैठ करके देखिए तो आप एक एक चीज को अपने भीतर में देख लोगे और परख लोगे। तो मैंने बोला था, खानी बानी भव दुख भारी, पड़ा खांच में हुआ या नारी, अरे किनोरे मोई सुखारी, धने गुरु मूर्ति की बलहारी, मूर्ति की बलहारी, सो धने गुरु मूर्ति की बलहारी, धने गुरु मूर्ति। कामादिक से आनु बचाया, मेरे अंदर में ये काम क्रोध की बड़ी भावनाएं थी और सबके अंदर में होती हैं ये, क्योंकि वास्तव में इनको समझा जाता है और जो समझ लेते हैं वो इनके बीच में फिर नहीं बहते हैं। इसलिए कामादिक से आन छुड़ाया, क्रोधादिक से मुझको बचाया, तृष्णा की कटी रे पिछाड़ी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, ऐसी गुरु कहाँ तक कहूँ रे कहा नहीं जावे, कहाँ तक कहा जाए, कितना भी कहो संसार की लीला हुआ पार है। आप नहीं मानो तो कहो बूढ़े बूढ़े के ढंग बैठ जाइए ने का, और बड़े बूढ़े के ढंग जब बैठ गए फिर तुम्हारे कानन ने खा लेंगे वे, तब हम ऐसे है तब ऐसो करते, तब ऐसो करते, ऐसो करते, इतने का मोड़ी मोड़ा कर ले, इतने का ब्याह कर ले, इतने का भैम बारे, इतने का भैम पीटे, और मेयो सको कर गए तो बताए दे, क्योंकि बड़े बूढ़े के पास हम बहुत बड़ी किताब धरी है। ने का मोको मिल जाए कवे को मैंने फिर तो तुम सुनते रहो, जैसे भाई बजाए दे नहीं टैप रिकॉर्ड है और तुम सुनते रहो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संसार की बात को कहां तक कहा जाए, इसलिए शिष्य का भाव है ये, कहां तक कहा रे कहा नहीं जावे, मुख जिभ्या के ते शरमावे, मुख जिभ्या के ते शरमावे, अरे मन बुद्धि बाणी हारी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, ऐसे गुरु सदगुरु सुवरण जाल लखायो, ऐसे परम त्यागी महान पुरुष
बिल्कुल सीधे और सुलझे। धन्य ऐसे महापुरुषों के लिए। वास्तव में कहीं ना कहीं सत्य का उद्भव होता है। बीज वंश कभी किसी का नहीं मिटता है। इसलिए कितना कहा जाए, सदगुरु सुवरण ज्ञान लखाया, अमृत निज पद में ठहराया, अमृत निज पद में ठहराया। अमृत नाम की और कोई चीज नहीं है, ये आत्मा को ही अमृत कहा है। और अमृत आत्मा का जिसको बोध हो जाए तब वो ठहर गया अपने आप में। और अगर कहीं दूसरी जगह की कल्पना करोगे तो पहली बात तो यह है कि दूसरी कोई चीज है नहीं। और अगर है भी गई कहीं हो तो फिर तुम्हें मिल गई तो फिर छूट जाएगी। एक जगह लोग कोई प्रवचन कर रहे कि जी एक समुद्र में से एक बूंद निकली आई और वो बूंद समुद्र की ओर जाने का प्रयास करती है। तो ये जितनी आत्मा है ये बूंद है और समुद्र है वो परमात्मा है। तो ये जितनी आत्मा है वो समुद्र ये परमात्मा में से निकल करके आई। तो मैं निवेदन करो कि भैया जी क्यों निकल आई, जिन जरूरत का पड़ेगी निकल देगी। और फिर जे निकल आई और फिर जिन पहुंचाओ देखो हीरे हारे के पिता को तो जे फिर नहीं करेंगी। क्योंकि जो निकरी आवती हैं जिनकी गैल ही ऐसी बनी गई है, जिन्हें गैल दे गई है, तो जिन्हें पहुंचा भी दो समुद्र में, तो समुद्र को पानी तो बार बार निकर जाते हो फिर पहुंच जाते हो, निकर जाते हो फिर पहुंच जाते हो। अगर ऐसा ही आत्मा और परमात्मा का संबंध रहो तो फिर हम मोक्ष कहते कहेंगे। फिर चलो समुद्र में पहुंच गई आत्मा परमात्मा में मिल गई तो फिर भजिया आवेगी। इसका कोई हमें समाधान करके बताए कि वो आत्मा क्यों निकल कर गई आई वहां से, और फिर अगर बाई चांस वहां पहुंच गई तो फिर निकल आवेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कुछ, ये संसार अनादि है, ये कभी किसी ने बनाया नहीं है और जो कभी बिगड़ेगा भी नहीं पूरी तरीका से। जो 24 तत्व प्रकृति के हैं जिनको हम 5 तत्व 3 गुण कहते हैं, ये प्रकृति है, ये कभी किसी ने बनाई नहीं है और ये बिगड़ेगी भी नहीं पूरी तरीका से। गीताकार भी कहते हैं पुरुषम प्रकृति चैव विद्व अनादि युवावपि, हे अर्जुन ये दोनों ही तत्व अनादि हैं, ये कभी पूरी तरीका से किसी ने बनाए नहीं और बिगड़ेंगे नहीं। हाँ आज से 1000 वर्ष के संसार को हम देखें तो बहुत और तरीके का था। 1000 वर्ष की क्यों बात करें, ये 50-55-60 साल से हमने सुत संवारी है, इतने में ही संसार का बहुत परिवर्तन हो गया। कच्चे कच्चे मकान होते, वर्षा ज्यादा होती, धान सिनाई बाको गिरेगो कुंकाऊ को गिरेगो देगी और दबे तो नाने को मत तो नाने को, आज वे लोग कोठिन में बैठे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों ये परिवर्तनशील तो संसार का स्वभाव है, लेकिन इस संसार को कभी बनाया नहीं किसी ने और नहीं पूरी तरीका से कभी बिगड़ेगा। इसलिए सदगुरु सुवरण ज्ञान लखाया, अमृत निज पद में ठहराया, अरे सारी रे दुविधा टारी, ऐसे गुरु मूर्ति की रे बलहारी, ऐसे गुरु मूर्ति की बलहारी, सो धन्य गुरु मूर्ति की बलहारी, ऐसे गुरु मेरे साई बहें दाता बंदी छोर, मेरे सदगुरु हैं दाता बंदी छोर, ये तो बंद छुड़ावे जी। इसलिए मेरे भाई बहनों ये सहद बहन होती हैं सदगुरु संतों की। एक छोटी सी बात कह करके पूरा कर रहे समय अपनी ओर है,
बताते हैं कोई एक महात्मा ने भाई चेला को भेज दो भिक्षा ले वे, तो चेला बेचारो ने जान तो नहीं हो नाड़ी हो, सो जा करके किसी दरवाजे पर एक सुआ टंगो वहाँ पिंजड़ा, तो वह पिंजड़ा में सुआ तो बाने जा करके कही जय हो दादा बंदी छोर की माई भिक्षा दे दो। बाने अब आई घर की मालकिन निकल के वो भिक्षा दे करके और वो भीतर चली गई। अब सुआ ने कही भैया बंदी छोर कौन थे कहते हैं, कि भैया अरे बंदी छोर हमारे गुरुदाता हैं। तो वह कैसे वे बंदी छोर हैं, कि वे जीव की बंदी छोड़ा देते हैं। ये तो कह भैया मेरी छूट जागी का, मैं तो जाने कैद कर रहा हूँ। तो कह भैया कल बत पूछ के बताऊँगा। तो वो आयो अपने गुरु के पास और गुरु के पास आकर के बैठ करके और उसने अपनी बात रखी कि गुरुदेव ऐसे ऐसे एक सुआ ने पूछी, जब मैंने कहा कि जय हो बंदी छोर की माई भिक्षा दे दो, तो एक सुआ था वहाँ पिंजरा में बंद, उस सुआ ने पूछा मेरे से कि बंदी छोर कौन थे कहते हैं। तो मैंने कहा बंदी छोर मेरे गुरुदेव हैं, वो जीव की बंद छुड़ा देते हैं। तो कह भैया मेरी छूट जाएगी का, तो गुरु महाराज वा सुआ की बंद छूट जाएगी का। तो गुरु महाराज ने कही तो कछु नहीं, वे पीछे को लुढ़क गए और पैर किसी वे लग गए, नारे ठिक गई ने मुँह में तो जाकर निकल गए। वो घबराएगा बेचारा, बाने सोची दे के मैं तो गुरु मर गए, जाने का पूछी सुआ ने। अब आने हाथ पैर समेटे इधर उधर से पानी आने लायो, आध घंटा में गुरु खड़े भाए। फिर सोच रहे हो कि भाड़ में जान दे कहूँ तो चलो जाऊँगो, और अब की कहूँ दे पूछी, अब की तो चिंदे तो हुए गए गुरु महाराज, और अब की कहूँ मामलो सहेगो तो फिर मैं कहाँ जाऊँगो। तो भैया दूसरे दिन वो भिक्षा के लिए गए तो वो दूसरे रास्ता से जा रहो, पर सुआ को ध्यान तो बिताइया तो उधर ही था। जब उसने देखा तो उसने आवाज लगाई जय हो बंदी छोर की, अरे भैया छुपके काय को जा रहे हो, अगर तुम्हारे गुरु पे कछु ऐसी कला नहीं है तो फिर बताए तो जाओ, छुपके काय को जा रहे हो, हाँ मने कर दे। तो फिर वो आयो और बाने कही भैया अरे पता नहीं तेरे शब्दों में क्या जादू था, तेने कही और ऐसे ही मैंने गुरुजी से पूछी, तो गुरुजी तो मर गए एकदम, हाथ ठिक गए पैर ठिक गए नारे ठिक गई मुँह में तो झाग निकल गए। सो भैया रे हूँ तो घबराएगो, पानी आने डारो, फिर आध घंटा में ठीक भाई गुरु महाराज। फिर मैं ना पूछी भैया कब मौको आवे हो तो फिर देख ले, मैं ना पूछी कि शायद गुरु महाराज मर गए तो पल ले जाएगी। सुआ ने कही ठीक है भैया जा। तो सुआ तो वो महात्मा तो भिक्षा लेकर के चलता हुआ और वो मालिक ने भीतर चली गई और बाने फड़फड़ अपनी पंख फैलाई और उल्टो है गो वहाँ में। सोई बाहर निकल के आई मालिक ने देखो तो सुआ उल्टो डरो वहाँ में नारे डर रही हो मुँह में पानी से खड़े रहो, हे मेरा सुआ तो मरेगो जाए का है गो, और जी हवाले वहाँ महात्मा से बात कर रहा हो। बाने खोल खिड़की खोली और सुआ निकालो, सो न्यो नाड़ इतकी बितक इत आए ये तो मरे गो, और बाने ने चार कदम जाएंगे फेंको सो फुर रोड़ेगो, और रे बाने की तुए पर आए दे जो तो पागल बनाएगा जो तुम हुए हैं। तो कितना बढ़िया कहा है के ढिंगर हाथों क्या हुआ ने कन समझियो एन, और शिष्य कहे गुरु मर गए सुआ समझ गो, तो वो शिष्य नहीं समझ पाया था पास में रहते हुए और वो सुआ समझ गया। तो मेरे भाई बहनों ये सत सतगुरुओं की ये सैन बहन है, इन सैन बहनों को जो समझ करके वो धारा पर टिक जाता है चला जाता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, और जो नहीं समझ पाते हैं तो वो बेचारे भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं चाहिए, बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो।